नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनु चहल। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव यानी कि मिस्टर 360 डिग्री उनका कमबैक होने वाला है और वो पूरी तरीके से फिट हो गए हैं। और जो बांग्लादेश के साथ जो टीम इंडिया T20 सीरीज खेलेगी उसके लिए अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी खबर है। और लेकिन सूर्य कुमार यादव उस T20 सीरीज से पहले ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहां नजर आएंगे? वो दलीप ट्रॉफी में नजर आएंगे। दलीप ट्रॉफी का जो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा वहां पर आपको दूसरे मैच में इनफैक्ट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, सूर्य कुमार यादव को चोट लगी थी और बुची बाबू टूर्नामेंट में उन्होंने 30 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि उनकी टीम हार गई थी लेकिन सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेली थी वो। लेकिन उसी मैच में उनके हाथ पर चोट लगी थी और उसके बाद फिर वो मैदान से बाहर चले गए थे और उसके बाद उनकी रिकवरी हुई। और अब रिकवरी होने के बाद अब वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया के लिए कमबैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उससे पहले अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता दलीप ट्रॉफी में तो ना सिर्फ सूर्य कुमार यादव के लिए अच्छा होगा बल्कि टीम इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर होगी। बिकॉज T20 सीरीज में यू नेवर नो यार, बांग्लादेश भी अच्छी टीम है और वो टीम जो पाकिस्तान को हरा कर आई, तो ऐसे में भाई चाहेगा टीम इंडिया भी कि यार जो टीम इंडिया के T20 कैप्टन है सूर्य कुमार यादव वो पूरी दमखम के साथ वहां मैदान पर खेले। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी का हिस्सा है। उन्हें इंडिया डी के खिलाफ मैच खेलना है। बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान उन्हें अंगूठे में इनफैक्ट चोट लगी थी और वो मैच की दूसरी पारी बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। और वहां से नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाना पड़ा था और NCA में सूर्य कुमार यादव BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में है। और कमाल की बात तो यह है कि 14 मंथ्स के बाद रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले सूर्य कुमार यादव। बेंगलुरु में उन्होंने इंडिया ए बनाम इंडिया बी के मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आए थे लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आए हैं। इंडिया सी ने अब तक सूर्य कुमार यादव का रिप्लेसमेंट का ऐलान किया नहीं है और ऐसे उनकी वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। अब अगर सूर्य कुमार यादव ये मैच खेलते हैं तो ये 14 मंथ के बाद उनका पहला रेड बॉल क्रिकेट मैच होगा और कहीं ना कहीं ये सूर्य कुमार यादव के लिए दलीप ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी के जरिए टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश में भी होंगे। सूर्य कुमार यादव T20 कैप्टन है लेकिन टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हो पाई है। उन्हें बीते साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला, हालांकि वो एक ही मैच के बाद चोटिल हो गए थे। वनडे में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने 35 पारियों में 25 की औसत से रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को अगर आप देखते हैं दोस्तों तो उनका ना टेस्ट में अभी उनको टाइम लगेगा शायद और वनडे में उस तरीके के रन उनके आए नहीं है और कई मौकों पर उन्होंने निराश किया है। लेकिन T20 के आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है मिस्टर 360 डिग्री उनको कहते हैं। भाई हर तरफ शॉट्स खेलने की उनकी काबिलियत है और हाई शॉट ऑफ रेंज है और हर गेंद पर छक्के लगाने की काबिलियत है इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव में। और T20 के आउटस्टैंडिंग प्लेयर है बट हाँ टेस्ट में और वनडे में उनको टाइम लगेगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो सीख लेंगे। और जैसे दलीप ट्रॉफी में अगर उनको अच्छा परफॉर्म किया तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी खबर सूर्य कुमार यादव के लिए भी है और टीम इंडिया के लिए भी है और भारतीय टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि T20 कैप्टन भी हैं और जिस तरीके की वो कैप्टनसी करते हैं वहाँ पर भी दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने मैचेज खेले थे। उसके अलावा अगर देखे वहाँ पर अफगानिस्तान टीम आई थी वहाँ पर मैचेज खेले तो यहाँ पर भी भाई बांग्लादेश की टीम को हराने की वो काबिलियत रखते हैं। और हर अगर आप टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया में हर एक बल्लेबाज आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। अगर आप T20 की बात करें क्योंकि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा अगर सूर्य कुमार यादव यहां पर दलीप ट्रॉफी में रन बनाते हैं और पूरी तरीके से फिट होकर टीम में आएंगे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जिताएंगे भी। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।